यहाँ पे मैंने अपना पूरा सेटअप किया हुआ है लद्दाख राइड फ्री करवाऊंगा। ऑलराइट गाइस, सो मिलिए हमारे दिल्ली के तूफानों से। से हाय हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सबको हैप्पी दिवाली, खुश रहिए। उम्मीद यही करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। सो मैं भी काफ़ी बिजी था 2-3 दिन से, सो कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ। हमारी अभी राइड है संडे को, सो संडे या मंडे को हम एक राइड करने वाले हैं, वो भी आपसे मैं उसकी वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। बिज़ी मैं इसलिए था, मैं अपने टूल्स साफ़ कर रहा था। जो मेरे पास टूल्स हैं, मेरे पास अपने पूरे टूल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ टूल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है मेरे टूल्स, ये मेरा मल्टीमीटर है, इलेक्ट्रिक में यूज़ होता है, डिवॉल्ट, इसमें कुछ बिट्स वगैरह हैं। ये मेरी पुरानी हैमर है, मैंने खुद बनाई थी। और कुछ इलेक्ट्रिक टूल्स हैं, ये सॉकेट टेस्टर है, इंडिया में पता नहीं यूज़ करते हैं कि नहीं, ये भी सॉकेट टेस्टर है। और ये गेज, ये हमारे वहाँ पे कॉपर के पाइप यूज़ होते हैं पानी के लिए, तो इसको हम कॉपर के पाइप पर लगाते हैं। ये कुछ टूल है मेरे, ये मेरा फेवरेट कटर है। सो ये ऑटो कटर, ऑटो वायर कटर, ऐसे कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाला मेरा बैग है, ये बैग मेरा फेवरेट बैग है, मैग्नम। यहाँ पे सीके की ओर से मैग्नम, बड़े अच्छा बैग है यार। ये मेरा इलेक्ट्रिक का सामान है, बाकी और मेरे पास कुछ ड्रिल्स वगैरह वो भी क्लीन करनी है। तो ये वाले मेरे टूल हैं जो अभी आपने देखे हैं। सो बस अब आप सोचो कि मैं टूल क्यों क्लीन कर रहा था। मैं बेसिकली बिल्डर हूँ आपका भाई, मुझे इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, वुड वर्क, फाउंडेशन से रिलेटेड, स्टील वर्क, मुझे सब कुछ आता है। सो मेरा एक रीज़न है मैं इंडिया में क्यों आया, कैसे आया, ये भी आपसे मैं शेयर करूँगा। थोड़ी सी अपनी फैमिली बड़ी हो जाए, फिर बात करेंगे। सो आज मैं आपसे शेयर करूँगा अपने गैजेट, मेरे इस बैग में क्या क्या है, और यूट्यूब चैनल मैंने क्यों क्रिएट किया, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। थोड़ी फैमिली बढ़ जाए, फिर आपसे शेयर करूंगा। अभी शुरू करते हैं अपने बैग का रिव्यू, हमारे बैग में क्या क्या सामान है, क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ। लेट्स डू इट। ऑलराइट, सो दिस इज़ माय बैग। इस बैग में क्या क्या है और क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ। लॉप्रो का बैग है मेरा, चलिए इसे ओपन करते हैं। कुछ ऐसा है। सो ये बैग मैंने रिसेंटली बाय किया है। ये मुझे कितने का पड़ा ये बैग, मुझे बताता हूँ आपको सारा कुछ। ये अपन की पटारी, ये मेरा बैग है। ओके, सो कुछ ऐसा। यहाँ पे मेरा कैमरा है, जिस कैमरे से वीडियो बन रही है वो मैंने अभी निकाला हुआ है। यहाँ पे मैं अपना माइक रखता हूँ, रोड माइक मैं यूज़ करता हूँ, ये वाला रोड का। सो अभी इसी माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है, वो वायरलेस माइक अभी मैंने लेना है। थोड़ा बजट में प्रॉब्लम आ रही थी तो दैट्स व्हाई मैंने नहीं लिया, लेकिन वो भी मैं लूँगा। ओके, सो ये वाला पावर बैंक है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, 20,000 mAh का। और ये वाला मेरा जॉबिका 5K ट्राईपॉड है, ये मैं यूज़ करता हूँ जब भी मैं बाहर जाता हूँ शूट करता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने हाथ से ही पकड़ के ना कैमरा शूट करना शुरू कर दिया। ये ट्राईपॉड है 5K,
काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, ये सारी रबड़ लगी हुई है और मिडल में इसके ये सारे जो हैं एल्युमिनियम के पार्ट्स हैं। फिर कैनन का 5R5 जो लॉन्च हुआ है अभी, या फिर वो बाय करूँगा, लेकिन थोड़ी अपनी फैमिली बड़ी हो जाए फिर बाय करेंगे। सो ये मैंने पहले ही इन फ्यूचर के लिए सोच के लिया था कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई हैवी कैमरा इसके ऊपर लगाना हुआ। और ये मेरा क्लिप है जो मैं अपनी बाइक के ऊपर लगाता हूँ जब मैं राइड करता हूँ। ये भी मैंने अभी बाय किया, थोड़ी देर हुई है। ये मुझे 1000 रुपये का पड़ा है, 1000 का, और ये मुझे पड़ा है 12000 का। जो ये वाला ट्राईपॉड है ये 12000 का मुझे पड़ा था। काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है और 5K है। इसमें एक आता है 3K, वो आपको मिल जाएगा इंडिया में 5000 का। ये वाला इसका प्राइस वैसे तो अमेज़ोन पे लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, आई थिंक 13-14 हज़ार है, लेकिन मुझे 12000 में पड़ गया था। और ये मेरा GoPro 8 है, ये मेरा सेकंड GoPro 8 है। जो मेरा पहले वाला था वो मैंने सेल कर दिया था, क्योंकि रीज़न इज़ मुझे पता लगा था GoPro 9 लॉन्च होने वाला है, और दैट्स वाई मैंने 8 अपना सेल कर दिया था। फिर मुझे दोबारा सेम 8 ही लेना पड़ा, क्योंकि 9 लॉन्च होने में टाइम लगेगा। जैसे मैंने 8 लिया, 1.5-2 महीने के बाद 9 लॉन्च हो गया, तो अब तो मैं पैसा नहीं खर्च सकता हूँ ना 9 के ऊपर, इतना तो बजट नहीं है। हमें कौन सा यूट्यूब से कोई पैसा आ रहा है, बारिश हो रही है पैसे की, है ना। यूट्यूब तो मैंने अपने शौक के लिए बनाई है। और ये नाइफ स्टैनली, ये ऑलवेज मैं अपने पास रखता हूँ, ये मैं इंग्लैंड से लेकर आया था, हमेशा मेरी बैग में होता है नाइफ, क्योंकि नाइफ ऑलवेज आपको चाहिए। और ये वाला जो है ये भी माउंट है, ये मैं यूज़ करता हूँ अगर गाड़ी में आपने लगाना है या फिर किसी मिरर के ऊपर इसे लगाना है, तो इसका ये मुझे इसकी जो पकड़ है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर मैं DSLR भी M50 जो कैनन का है वो भी इसके ऊपर मैंने हैंग किया हुआ है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है ये। ये भी मुझे आई थिंक 1700 का पड़ा था ये वाला, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरा GoPro का मीडिया मोड, ये है GoPro मीडिया मोड। ये मैंने लद्दाख राइड जो मैंने अभी की है रिसेंटली, उस पे जाने से पहले मैंने ये बाय किया था, लेकिन 20 दिन में ये वाला ख़राब हो चुका है और मेरा रिफंड या रिटर्न या रिप्लेस नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी मेल्स वगैरह किए हैं। ये मुझे पड़ा था 7200 का, आई थिंक 7200 मीडिया मोड चेस्टी। ये अगर मैं कहीं ट्रैकिंग वगैरह करता हूँ तो चेस्टी के ऊपर मैं अपनी चेस्ट के ऊपर इसे लगा के फिर मैं यहाँ पे GoPro हैंग कर लेता हूँ, तो काफ़ी हेल्पफुल है चेस्टी होना आपके पास, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करती है वीडियो में। उसके बाद आ गया जी अपना फेवरेट, लेकिन मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया जितना यूज़ करना चाहिए, मैक्स, GoPro मैक्स। ये भी काफ़ी अच्छा कैमरा है, इसके शॉट काफ़ी अच्छे होते हैं। सो ये इसके कैप मेरे लॉस्ट हो गए थे जो मैंने ऋषिकेश की राइड की थी। देखिए कुछ ऐसे लगता है, इसमें दो लेंस हैं फ्रंट और बैक में, लुक। सो ये 360 वगैरह कवर करता है। यहाँ पे ये स्केयर आप देख रहे हो, स्केयर को एक बार पुश करोगे राउंड आ जाएगा, तो ये अभी 360 कवर करेगा, दोबारा करोगे तो ये नॉर्मल बेसिक GoPro बन जाएगा। ये काफ़ी अच्छा कैमरा, ये मुझे पड़ा था 44000 का, ये वाला। ओके, इससे भी रखते हैं इधर। उसके बाद आ गया हमारा लाइट, ये लाइट है जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन बड़ी कम मैंने यूज़ की है। ये लाइट है, इसमें आप यहाँ से इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये लाइट मुझे पड़ी थी 4000 की पड़ी थी। अगर आप बोलोगे तो इस लाइट का रिव्यू कर दूंगा, अभी तक मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ अंधेरे में ऋषिकेश में मैंने इसे यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस लाइट ने। और जो लेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक तो मेरे पास ये 50mm का लेंस है 1.8, मैंने पहले 50mm का लेंस लिया था, वो वाला मैंने सेल कर दिया, अभी रिसेंटली ये मैंने दोबारा बाय किया है, लेकिन मेरे ये काम का नहीं है, मेरे किसी काम नहीं ना आ रहा अभी। इससे आप पोर्ट्रेट वगैरह बड़े अच्छे अपने शॉट ले सकते हो, काफ़ी अच्छा लेंस है और वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी सस्ता चीप मिल जाता है आपको। जो ये लेंस है मार्केट में 1.4 भी आता है, लेकिन आई थिंक ये वाला लेंस काफ़ी अच्छा है जो पोर्ट्रेट के लिए। और ये मुझे लेंस पड़ा था 8000 का अराउंड। ओके, सो पहले आपको ये दिखा दूँ, ये माउंट है, ये ऐसे है कि जब मैं अपना जो जिस कैमरे से आप वीडियो देख रहे हो
इसको मैं ऊपर उसके लगाता हूँ माउंट को, और यहाँ पे मैं अपनी लाइट को हैंग करता हूँ एक साइड पे, ऊपर मैं अपनी लाइट ऐसे हैंग कर देता हूँ इसके, और यहाँ पे साइड पे मेरा माइक लग जाता है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। अपनी मेन जो चीज़ है वो है अपना ड्रोन, अपन का ये है, ये मैंने अभी इंग्लैंड से मंगवाया है और इसका नाम है मैविक प्रो प्लैटिनम, और ये मैंने अपने स्टिकर वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे। ड्रोन काफ़ी अच्छा ड्रोन है, जो तंग लंगला की आपने ड्रोन शॉट देखे हैं, जितने भी अभी ड्रोन शॉट आ रहे हैं ये वो सब यही कैप्चर करता है। और जो मेरा सबसे पहला ड्रोन था वो था मैविक मिनी, उसके बाद मैंने ड्रोन लिया था मैविक प्रो, यह मैविक प्रो इससे नीचे वाला मॉडल, और ये मैविक प्रो प्लैटिनम है। बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा हुआ है ना मैविक प्रो प्लैटिनम, ये दिख रहा है आपको अभी दिखा। तो ये ड्रोन काफ़ी यूज़फुल ड्रोन है, अच्छे शॉट दे देता है और हवा में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अभी मैं ये अपग्रेड करने लगा हूँ, ये सेल करने जा रहा हूँ अभी अपना ड्रोन, क्योंकि मुझे चाहिए मैविक प्रो 2, वो लेना है मुझे। और ये आ गया अपन का ड्रोन का रिमोट, तो अभी ये 89% बैटरी दिखा रहा है, और ये मैंने इसके ऊपर थंब प्रोटेक्टर इसके लगाए हुए हैं ताकि ये टूटे ना। ये अभी मैं सेल कर दूंगा ड्रोन, बिकॉज इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे हाई इसका ऊपर वाला अपग्रेड करना है ना, इसका मॉडल लेना है। उसके बाद ये आ गए मेरे लेंस, जो मैं लेंस यूज़ करता हूँ, ये ड्रोन के लेंस हैं, कंपनी आप देख लो न्यू वेयर के। सो ये ड्रोन लेंस हैं, मैंने कभी यूज़ किए नहीं, लिए तो हैं, कुछ ऐसे हैं देखने में है ना, इनके कलर डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट लेंस डिफरेंट कलर, जैसे अभी दिस वन इज़ ये डिफरेंट है। तो इस पैक में मुझे टोटल 6 लेंस मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये शे का पैक आता है ना, तो ये $150 का है, ये मेरा फ्रेंड लेकर आया था कनाडा से। ओके सो अभी आ गया मेरा ये बैग, ये वाला बैग, ये बैग मैंने लिया है 13,000 का। इस बैग में यहाँ पे एक पॉकेट है, इस पॉकेट में आप अपना सामान रख सकते हो, छोटा मोटा या कोई चिल्लर कुछ ऐसे, या मेमोरी कार्ड सिम वगैरह कुछ भी रख सकते हो। इधर एक पॉकेट है, ये पॉकेट बनी है स्पेशल आपकी चाबी के लिए, की के लिए, आपकी बाइक की चाबी है तो आप यहाँ पे रख के इस पॉकेट को कर दो। सो काफ़ी यूज़फुल बैग है, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस बैग के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जब मैंने इस बैग के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी तब तक मेरा प्लान बन चुका था अपना डोमिनार सेल करने का। तो डोमिनार अभी मैंने सेल कर दिया, अभी मेरे पास KTM 390 एडवेंचर है, अभी मैं वो भी सेल करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे इजी एक्सेस एक इसके यहाँ ऊपर है टॉप पे, लुक। और बेसिकली मैं अपना कैमरा इधर ही रखता हूँ ऊपर, यहाँ पे रखता हूँ अपना कैमरा, और यहाँ से ऐसे निकाल लेता हूँ जब भी मुझे अपना ब्लॉग शूट करना है। और यहाँ पे इसके पॉकेट है, यहाँ पे आप अपने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना मेन कैमरा जिससे अभी वीडियो बन रही है। ओके गाइस, सो ये मेरा कैनन का 90D कैमरा है, ये भी मैंने लिया था जब मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। सो मैंने एक एक करके चीज़ ली है, जैसे एक महीने में मैंने ये लिया था, इसके बाद मैंने लैपटॉप लिया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा लैपटॉप कौन सा है। सो इस कैमरे का जो प्राइस है वो है 1,08,000, इसके साथ जो लेंस है वो है 18-135, ये लेंस मिला था मुझे। और इस लेंस को आप आगे पीछे करके जूम वगैरह कर सकते हो। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस कैमरे की, ये प्रोफेशनल में ही आ जाता है। सो मुझे ठीक लगता है, मुझे थोड़ा सा हैवी कैमरा अच्छा लगता है ना, कि हाथ में पकड़ा हुआ कुछ फील तो हो ना कि हमने कुछ पकड़ा हुआ है। अपने अपनी चॉइस होती है, तो वैसे बिल्डर हूँ तो थोड़ा बिल्डरों वाली भी आदत है ना। तो ये वाला मेरा माइक है रोड का, रोड गो माइक। सो यही मैं यूज़ करता हूँ फ़िलहाल जो मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। बाकी सारी आपने मेरी एक्सेसरी देख ली है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक रॉड का वायरलेस माइक ले लूँ, जो इतना बॉक्स टाइप आता है ना, 16-18,000 की रेंज में आता है, जो एक मुझे वो लेना है। और एक मैं 10-18 का एक लेंस देख रहा हूँ, लेकिन भाई मैं करूँगा थोड़ा फैमिली अपनी गेन हो जाए, फिर मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूँगा जो अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा ना। और जो मेरा लैपटॉप है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला लैपटॉप है 16 इंची, और यहाँ पे मैंने अपना पूरा सेटअप किया हुआ है, जितने भी बॉक्स वगैरह है ना सारे मेरे यहीं पे रखे हुए हैं मैंने। और ये वाला अभी मैंने हेलमेट अपना बाय किया है। हाँ एक चीज़ तो मैं भूल गया हूँ, ये लाइट भी मेरे साथ ऑलवेज रहती है, मेरे बैग में होती है ये वाली लाइट, ये देखिए इसके सामने लाइट आती है और यहाँ से ऐसे आती है,
ये लाइट मैंने इंग्लैंड से बाय की थी, तो ये चार्जिंग होती है, यहाँ से चार्ज हो जाता है। अगर इसे आप एक बार चार्ज करके रख दोगे ना अपने कहीं भी कबर्ड वगैरह में, तो आपको देन उसके बाद आपको 9 महीने चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइट। इसका ये बेनिफिट है। और इसके यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई है ना, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है और एक नीचे मैग्नेट है यहाँ पे। सो दो हार्ड ड्राइव हैं ये, एक ये 2 टेराबाइट की है, यह 2 TB की ये हार्ड ड्राइव है, और ये वाली हार्ड ड्राइव है ए डाटा, ये है 4 TB की। ये दो हार्ड ड्राइव मैं यूज़ करता हूँ, और ये वाले मेरे ऑलवेज मेरे पास रहते हैं हेडफोन, ये बोस के हैं, ये मैं ऑलवेज इनको मैं यूज़ करता हूँ, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यार। ये मेरा लैपटॉप मैंने आपको दिखा दिया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये न्यू लॉन्च हुआ था 2019 में, और ये है 16 इंची मैकबुक प्रो और टच स्क्रीन के साथ। ये मुझे 2 लाख का पड़ा था, और ये मुझे आई थिंक पड़ी, अभी मुझे इनका प्राइस नहीं याद, कुछ 15,000 की ये दोनों हार्ड डिस्कें ही होंगी, 15 से 18,000 कुछ समथिंग इतने में होंगी ये दोनों हार्ड डिस्कें, और मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद, लेकिन कुछ पता है। और ये एप्पल की एक्सेसरी यार, लैपटॉप तो लेना आसान है लेकिन एक्सेसरी बड़ी महंगी है। ये 5,000 की ये सिर्फ पॉट्स ही हैं जो एप्पल की है ना। ये मैंने एक अमेज़ोन की बाई की थी, ये भी ठीक काम कर रही है, लेकिन एप्पल की में थोड़ा बेनिफिट ये है कि अगर 5,000 के इसमें मुझे पोर्ट ज़्यादा मिल गए ना। सो ये 1,000 रुपये की आई थिंक अमेज़ोन वाली माउस है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये गेमिंग माउस है, यही मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ से आप इसके लाइटिंग बंद कर सकते हो, नीचे बटन लगा हुआ है, अगर लाइट आपने ऑन करनी है इसे एक बार दबा दो और लाइट दोबारा से ऑन हो जाएगी। अभी इसकी रेड चल रही है ना, सो अगर दोबारा दबाओगे तो ये मल्टी कलर में आ जाएगी ना लाइट। काफ़ी अच्छा माउस है। ओके गाइस, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर में मैं एक इंटरनेशनल राइड करने का प्लान कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने जो मेरे फ्रेंड हैं दिल्ली में, हरियाणा में, जो पंजाब में हैं, क्योंकि मेरा इतना फ्रेंड सर्कल नहीं है, बिकॉज रीज़न इज़ मैं बाहर से इंग्लैंड से आया हूँ। इंग्लैंड से जब मैं इंडिया आया था तो मेरा जितना फ्रेंड सर्कल था वो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सेटल हो चुके हैं। मैं 10 साल के बाद इंडिया आया, सो यही मेरा एक रीज़न था यूट्यूब क्रिएट करने का, मेरे भी इंडिया में फ्रेंड हों, मेरे भी फ्रेंड बने। सो इसीलिए मैंने यूट्यूब क्रिएट की है। बट राइड तो मैंने काफ़ी की हुई है, मैंने हार्ले स्ट्रीटर लिया था, फिर मैंने Z900 लिया था, फिर मैंने Ninja 1000 लिया था, इंटरसेप्टर लिया था, फिर मैंने डोमिनार ग्रीन कलर का रखा है, अभी मेरे पास KTM 390 एडवेंचर है। और जो अपनी न्यू बाइक आने वाली है अपने चैनल पे, अपनी बाइक, वो होगी BMW 1250 GSA, और या फिर हो सकती है Tiger 1200, और तीसरी जो बाइक है वो हो सकती है Ducati Multistrada 1260S। सो गाइस, अभी आप बताइए इनमें से कौन सी बाइक हम लें। लेकिन इन फ्यूचर, मतलब नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर में प्लान है अपन का कोई एक बाइक लेने का इनमें से, अगर सब कुछ ठीक रहा देन। सो जो मेरी इंटरनेशनल राइड है वो हो सकती है 15,000 से 20,000 किलोमीटर। ओह माय गॉड, काफ़ी लंबी राइड है। और गाइस, मैं ट्राई करूँगा 2022 में एक कपल को मैं लद्दाख राइड फ्री करवाऊँगा, मेरी ओर से मैं स्पॉन्सर करूँगा, अपने सब्सक्राइबर में से ही मैं किसी को चूज़ करूँगा, और उनमें से ही हम एक कपल को लद्दाख राइड मेरी ओर से फ्री करवाई जाएगी। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, थोड़े रह गए हैं मेरा ख्याल, होने को तो 10 दिन में हो जाएंगे, होने को 1 महीना भी लग सकता है। अगर आप लोग चाहो तो उनको आप 2 दिन में भी पूरा कर सकते हो। दैट्स वाई मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपनी फैमिली आप उनकी थोड़ी बड़ी हो जाए, देन मज़ा आएगा राइड करने का। जो अपनी राइड है वो इंटरनेशनल राइड का मतलब यानी कि अपन इधर नेपाल जाएगा, वो इंटरनेशनल मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए इंटरनेशनल कुछ और ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।